सबसे पहले जनता भगवान के चरणों में हम अपना जीवन समर्पित करते हैं और आगे विकास का काम, और साथ साथ मीडिया भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि चुनाव में बहुत मीडिया भाइयों से मदद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने भी यहाँ पावर ताकत झोंक दी थी, फिर भी आपकी जीत हुई, किस तरीके से देख रहे थे? देखिए, जनता भगवान के सामने किसी का नहीं चलेगा, और जनता भगवान के आशीर्वाद से ही डिप्टी सीएम हो, सीएम हो या कोई भी हो, तो बिना जनता भगवान के आशीर्वाद से कोई डिप्टी सीएम नहीं बन सकता, नहीं सीएम बन सकता। तो हमको जनता भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसके चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ, और जब तक जीवन रहेगा जनता के सुख दुख में सेवा करते रहेंगे, जनसेवक बन। अपराध भी रूपौली की बहुत बड़ी समस्या है, इसको कैसे दूर करेंगे? इसको हम लोग प्रयास करेंगे, प्रशासन से हेल्प लेंगे और मदद करेंगे, अपराध पर अंकुश लगेगा। क्या क्या करने की आवश्यकता है रूपौली में सर? रूपौली में डिग्री कॉलेज नहीं है, आज से कुछ दिन पहले वहाँ रेलवे लाइन बिहारीगंज से कुर्सेला रुपोली होते हुए जोड़ना है, उसके बाद रिंग बांध है आपको लालगंज विजय से कुशकीपुर तक, यही सब बिजली का समस्या है, बहुत सारे समस्या, पुल नहीं है, सड़क बहुत जगह नहीं बना है, शिक्षा में बहुत कमी है, तो इस पर गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है, तो इस पर हम लोग स्कूल में मीटिंग करके कि गरीब बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले, इस पर हम काम करेंगे। इंडिपेंडेंट के तौर पे आप चुनाव जीते हैं, क्या लग रहा है कि आगे कोई पार्टी में भी आप शरीक होंगे या इंडिपेंडेंट? बिना जनता भगवान के आदेश से हम कहीं नहीं। हाँ, रुपोली की जनता को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, और रुपोली के जनता के चरणों में हमारा जीवन समर्पण कर दिए, जब तक जीवन। कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा इस पूरे विधानसभा चुनाव लड़ने में? देखिए, जनता भगवान का आशीर्वाद है तो कोई चुनौती नहीं, जनता के सामने कोई चुनौती नहीं, वो आशीर्वाद दिए। कई बड़े बड़े मंत्रियां यहाँ पे पहुंचे, आपके रुपौली में आए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गए थे, केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे हुए थे, इन तमाम चीजों से कितनी समस्याएं सामने करना पड़ा? कोई सामना नहीं, उसका आशीर्वाद मिल गया जनता भगवान, तो कोई हमको कहीं दिक्कत नहीं हुआ।